नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज के स्टूडियो में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जो प्री एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 20 मई 2022 से, उसी को लेकर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है आपके एडमिट कार्ड एक बार फिर से डाउनलोड करें, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो एग्ज़ाम सेंटर है उनको चेंज किया गया है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिर से जो है अपने अपने जो एडमिट कार्ड है उनको एक बार फिर से डाउनलोड करें, उन्हें चेक करें कि कहीं आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको तो चेंज नहीं किया हुआ। इसके साथ ही जो है मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है कम से कम 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखें, कम से कम 2 एडमिट कार्ड जो है अपने पास रखें, अपने साथ रखें, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों को, कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ है जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को कंप्लीट करनी है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है, सारे के सारे दिशा निर्देश मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस यदि आप लोगों को रेगुलर प्राप्त करना है तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये जो है एक एडमिट कार्ड है, इसमें ये डिटेल्स वगैरह आप लोगों को जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको फर्स्ट एक कॉलम मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ अफिक्स योर पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। कलर फोटोग्राफ आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ छोटा जो फोटोग्राफ होता है वो आप लोगों को यहाँ पर अफिक्स करना है, मतलब चिपकाना, ठीक है। और सेम वैसा ही होना चाहिए जो आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन या जो अप्लाई किया था उसी के समान जो है ये फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सेम एज अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सिग्नेचर अक्रॉस, और उसके ऊपर जो है अक्रॉस सिग्नेचर करना है। अक्रॉस सिग्नेचर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, अक्रॉस का मतलब है आधा सिग्नेचर जैसे यहाँ आएगा और आधा सिग्नेचर जो है फोटो के ऊपर आएगा, ठीक है। आधा सिग्नेचर फोटो से बाहर और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर, ऐसे आप सिग्नेचर करोगे तो आप लोगों का जो है वो सिग्नेचर कहलाएगा अक्रॉस सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद देखिए मेनली ये जो है इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, यहाँ पे आप लोग आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए परीक्षा के समय निरीक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएं, आपके जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे होना चाहिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी मेरी मौजूदगी में लिए गए और फोटोग्राफ मेरे सत्यापित किया गया। तो यहाँ पे जो है जो इन्विजिलेटर होगा उसकी उपस्थिति में देखिए आप लोगों का क्या क्या चीज़ें होगी। सबसे पहले तो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब तो यहाँ पे तो जो एग्जामिनर होगा वो सिग्नेचर करेगा। यहाँ पे देखिए आयरिस ऑथोराइजेशन कोड, ठीक है, ये वही जो एग्जामिनेशन एग्जामिनेटर होंगे आपके इन्विजिलेटर, वही जो है यहाँ पे लिखेंगे कोड वगैरह। इसके अलावा यहाँ देखिए दोस्तों कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थम इम्प्रेशन, आप लोगों का लेफ्ट हैंड लगेगा, ठीक है, बायां हाथ जो है उसका अंगूठा लगाना पड़ेगा आपको और यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इसके बाद में देखिए आप लोग देखोगे यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है। इसमें मैं आपको मेनली बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक तो आप लोगों का जो है ये एडमिट कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपका एक पहचान पत्र होना चाहिए, मूल पहचान पत्र ओरिजिनल होना चाहिए और एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, ओरिजिनल भी आपके साथ होना चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी साथ लावें अनिवार्य रूप से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे वर्तमान में वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस में लर्निंग वाला नहीं चलेगा, ओरिजिनल जो फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो ही एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो ओरिजिनल भी होना चाहिए और एक उसका जो है फोटोकॉपी भी होना चाहिए, ठीक है, फोटोकॉपी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपका जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र और पहचान के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, फोटोकॉपी आपका जो पहचान पत्र होगा जैसे मान लो आधार कार्ड है, ठीक है, उसका फोटोकॉपी प्लस आपका जो प्रवेश पत्र है इन दोनों का फोटो जो है वो एग्जामिनर ले लेंगे। अब अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो प्रवेश पत्र है वो आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए। कारण क्या है, ये जो प्रवेश पत्र है एक तो आपका जमा हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, किसके साथ जमा होगा, आप जो पहचान पत्र लेके जाओगे उसकी फोटोकॉपी के साथ। ओरिजिनल तो आप रख पाओगे लेकिन जो फोटोकॉपी है वो वहाँ पे जमा कराना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इन इंस्ट्रक्शन में और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद थोड़ा सा आइडेंटिटी स्लिप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस आइडेंटिटी स्लिप को जो है अपने पास ही रखना है। यहाँ से ये फटेगा, ठीक है, टियर होगा, यहाँ से इसे फाड़ना पड़ेगा। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है आइडेंटिटी स्लिप, इसको आपको रखना है। और यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट इज एडवाइज टू प्रिजर्व दिस स्लिप फॉर अपियरिंग इन मेन एग्जामिनेशन एंड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो स्लिप है गाइस, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब आप मेन एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी आपके पास होनी चाहिए, और जब आपका यदि सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तब भी इस आइडेंटिटी स्लिप को आपके पास होना अनिवार्य होगा, तभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो ये जो स्लिप है, इस स्लिप को आप लोग टियर करके फाड़ के जो है अपने पास रख लोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कुछ इंग्लिश में है, ये भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, द एग्जामिनेशन शुड एंश्योर दैट द फुलफिल्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, नंबर ऑफ नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के आप लोगों को जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी COVID-19 से रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी आपको, वो पूरी की पूरी उनका पालन करना पड़ेगा। कैंडिडेट विल ब्रिंग द हिम ऑफ फॉलोइंग, कैंडिडेट के पास और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, देखो एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसके साथ फोटोग्राफ, आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास 2-3 फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ऑफ ब्लू इंक, ब्लू यहाँ समझिए, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी पेन होना चाहिए, ब्लू इंक नीली इंक वाला, ठीक है, ब्लैक इंक या रेड इंक वाला नहीं चलेगा गाइस, ब्लू इंक वाला ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब जैसे अभी मेरे हाथ में पेन देख रहे हो आप, ये बिल्कुल पारदर्शक पेन है, ठीक है, आर पार जिसमें जो है ये दिख रही है इसकी रिफिल, इसको ट्रांसपेरेंट पेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ट्रांसपेरेंट बॉल पेन हो गया, इसके बाद में ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, उस आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी होनी चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, आपका खुद का हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। पर्सनल वाटर बोतल, आपकी खुद की पानी की बोतल होनी चाहिए। प्रॉपर फेस मास्क, आपका जो है मास्क है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वहाँ सेंटर पे आपको दूसरा मास्क दिया जाए, हो सकता है सैनिटाइजर की ज़रूरत ना हो, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोगों को जो है इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है, आप लोगों को आपका खुद का सैनिटाइजर लेके जाना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे अंडरगो आइरिस स्कैन, कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है कि उनका जो आँखों का जो स्कैन है वो ज़रूर होना चाहिए, आँखों का स्कैन जरूर होना चाहिए। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू रीच एट मिनिमम वेन्यू बिफोर 2 hours, 2 घंटे से पहले आप लोगों को जो है जो भी आपका परीक्षा स्थल है वहाँ पे पहुँचना अनिवार्य होगा। अब देखिए कैलकुलेटर विद और विदाउट वॉच, बुक्स नोटबुक्स रिटर्न नोट्स सेलफोन, ये सभी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह ये सब नॉट बी अलाउड, इन सब को जो है अलाउ नहीं करेंगे। कैलकुलेटर भी नहीं हो सकता आपके पास, मतलब पेन और जो आपका एडमिट कार्ड है उस सैनिटाइजर है, ये 2-3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई गैजेट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। अब देखिए ड्रेस कोड का समझिए आप लोग, मेल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वियर हाफ शर्ट, हाफ शर्ट होनी चाहिए या फिर टी शर्ट हो सकती है, कुर्ता पैंट ट्राउजर पायजामा एंड स्लीपर्स, चप्पल होनी चाहिए, चप्पल गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए चप्पल होनी चाहिए, शूज नहीं चप्पल, स्लीपर्स का मतलब है चप्पल। एंड फीमेल कैंडिडेट शुड वियर सलवार सूट और साड़ी, जो फीमेल कैंडिडेट्स है जो गर्ल्स है जो लेडीज़ है वो सूट और साड़ी पहन के जा सकती है, स्लीपर्स एंड नॉर्मल रबर बैंड इन हेयर, बालों के अंदर नॉर्मल रबर बैंड हो सकता है नॉर्मल, ठीक है, सिंपल वाला, सिंपल वाला जैसे सिंपल सा आता है ना मिठाई के डिब्बों पे जो लगा हुआ रहता है वो वाला हो सकता है। दिस विल हेल्प इन सिक्योरिटी चेकिंग, फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट कम वेयरिंग एनी ऑर्नामेंट्स, ये जरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, किसी प्रकार का कोई ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, लाख ग्लास बैंगल्स है ना ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड एट द एग्जामिनेशन सेंटर विद एनी वॉच गूगल्स चश्मा वगैरह, ये नहीं होना चाहिए, हाँ नज़र का चश्मा है तो अलग चीज़ है, केप हेट टोपी वगैरह नहीं हो सकती, ब्रासलेट नहीं हो सकता, बेल्ट नहीं हो सकता, हैंडबैग नहीं हो सकते, स्टिक कोई छड़ी वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वॉलेट आपका पर्स जो है वो भी बाहर रखा जाएगा, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कैंडिडेट मस्ट सिट ऑन द सीट अलॉटेड, जो सीट अलॉट हुई है वहीं पे बैठ सकते हो. फेलिंग विच ही मे बी ट्रीटेड एज एबसेंट, जो यदि इसकी अवहेलना करेगा, जो इसको नहीं मानेगा, अपनी सीट पे नहीं बैठेगा, उसे एबसेंट किया जाएगा. ठीक है. कैंडिडेट आर अलाउड टू लीव दियर सीट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, सीट को आप तभी छोड़ोगे जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा. इफ एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव प्रोक्योर्ड इम्पर्सोनेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और रिसोर्टिंग टू एनी अदर अनफेयर मीन्स वाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पे बताया गया कि कोई भी जो है इलीगल या गलत तरीके से व्यवहार करता है तो उसे जो है RPSC जो है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स के अकॉर्डिंग जो है उसे जो भी पनिशमेंट होगा रिक्वायर्ड वो दिया जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी. इसके बाद में देखिए, अगर आप डेमो एग्जामिनेशन देना चाहते हो, डेमो की कैसा एग्ज़ाम वगैरह लगेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है 11 मई से जो है अवेलेबल है इन वेबसाइट्स पे. यहाँ पे जाके आप लोग जो है डेमो एग्ज़ाम दे सकते हो. ठीक है. इसके अलावा एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज, आप चाहकर आपका डेट या एग्ज़ाम सेंटर है उसको चेंज नहीं करवा सकते. ठीक है. तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस थे. यही इंस्ट्रक्शंस जो है, देखिए जो मैंने इंस्ट्रक्शंस अभी आपको बताए वही सारे के सारे हिंदी में लिखे हुए हैं. ठीक है. आप आसानी से इन्हें पढ़ सकते हो. तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी. इसके अलावा देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है गाइस. वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन इन द इंटरेस्ट, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोरोना से रिलेटेड है. तो ये भी आप लोगों को जो है साथ लेके जाना. ये वाला जो पेज है ये कंपलसरी आप लोग साथ लेके जाना. हो सकता है वहाँ पे वो इसे जमा करें या फिर हो सकता है डस्टबिन में फेंक दे, बट आपको लेकर जाना है इस पेज को जो है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पे लिख कर आप लोगों को जो है साथ लेकर जाना है. तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.